बदला ना सारा यू 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 सारा का सारा न्यू 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 मैं हैप्पी वैप्पी क्यों क्यों। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद मोना चैनल में वेलकम। आज मैं बनाने लगी हूँ गुलगुले। ये मीठे पकौड़े होते हैं, शक्कर या गुड़ से बनते हैं, बहुत ही मजे के लगते हैं। बरसात के मौसम में भी बनाए जाते हैं, अफतारी में बनाए, बच्चों और बड़ों की यकसम पसंद है और बहुत अच्छी रेसिपी है। चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे बनी है। मीठे पकौड़े यानी कि गुलगुले बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें 1 कप शक्कर ले रही हूँ। इस तरह से शक्कर ले सकते हैं आप, गुड़ भी ले सकते हैं। और 1 कप ही पानी ले रही हूँ, इनको मेल्ट करूँ। मेल्ट करना है बस, कि ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। ये देखिए, ये शक्कर को हमने मिक्स कर लिया, गर्म भी हो गया। इसको अब हम छान लेंगे, इसमें जो ज़र्रात हैं ये निकल जाएं। ताकि इसको 1 कप में छान लिया, बड़ी एहतियात से आराम आराम से छानेंगे, बिल्कुल वो नीचे वाले ज़र्रात नहीं आए। बिल्कुल प्रेशर पे आने देंगे, फिर इसे हम आटा गूंथ लेंगे। 2 कप आटा ले लिया मैंने, पहले 1 कप इसमें शामिल कर दिया बॉल में और दूसरा 1 कप है। 2 कप आटा लेंगे हम और 3 टेबलस्पून सूजी लेंगे छान कर। 1 टीस्पून भर के लेंगे हम इसमें बेकिंग पाउडर का। थोड़ा सा 2-3 चुटकी नमक के ले लेंगे, इस तरह इतना सा नमक लेना होगा। इसको मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। मजे का बैटर तैयार हो गया। अपने चम्मच को बैक साइड को, छोटे चम्मच की बैक साइड को ऑयल लगा लेना, फिर इस हाफ रह गया, नेक्स्ट बैच में शामिल करें। देखें जब इस तरह बॉल ऊपर आ जाए तो आपने इसको थोड़ा सा मूव करना, चेक कर लेना कि सारी बॉल्स ऊपर आ गई हैं। तो फिर उसके बाद फिर आपने इसका फ्लेम मीडियम पे कर देना, अभी स्लो पे था ना, तो फिर हम थोड़ा सा तेज कर देंगे ताकि ये ऊपर से भी कलर अच्छा आ जाए। एक दफा ट्राई कीजिएगा, आपका बस दिल करेगा कि मैं रोज ही ये खाऊं। बहुत मजे के बनते हैं।
पहले तो त्योहारों पे ही बनाती थी हमारी अम्मियाँ, लेकिन अब तो ये अवतार में रमज़ान के स्पेशल ये डिश है, अवतार में बनाए बहुत अच्छी लगी, खजूर के साथ भी बहुत। बारिश के मौसम में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये तकरीबन 6 से 7 अफराद के लिए इनफ है, और 3-4 गुलगुले खाने से ये तकरीबन ऐसे लगता है कि एक पराठे जैसे पावर आ जाती है, एक पराठे जैसी न्यूट्रिशन पूरी हो जाती है। इस तरह हम फ्लेम को थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, ऊपर आ गए और इनको उल्टा देते हैं, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी इनको बनाने में, जितना स्लो रखेंगे आप उतने ही मजे के फूलेंगे भी और बहुत मजे के बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे बिल्कुल और अंदर से बहुत सॉफ्ट क्रंची भी होंगे और सॉफ्ट भी होंगे। इनको उल्टा देते हैं सारों को, और जितनी देर बैटर रखेंगे आप बनाने के बाद, मिक्स करने के बाद, उतना ही सॉफ्ट बनेंगे ये, घर में बुजुर्गों के लिए भी बेस्ट है ये, बहुत अच्छे लगेंगे उनको। एक दफा बनाइएगा लाजमी, फिर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। मजे के गुलगुले रेडी हैं, ऊपर से क्रंची और अंदर से फुल सॉफ्ट हैं, ये देखें ये अंदर से फुल सॉफ्ट है, फुल पके हुए जैसे, बहुत मजे के ऊपर से क्रंची हैं, बहुत मजे के लगेंगे, आप भी अपने घरों में बनाएं एंजॉय करें। और ये तो बच्चों और बड़ों की वाकई ये बहुत पसंद आने वाली चीज़ है, एक दफ़ा आप बना के दे देंगे तो रोज इफ्तारी के वक्त या बरसात के मौसम में मांगेंगे, लाजमी बनाइएगा ये। और ये 3 या 4 इस तरह के पकौड़े अगर आप खा लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा, एक पराठे जितनी पावर आ जाती है इंसान में, ठीक है। और अफ्तारी के बाद बच्चे तो लाइक ही नहीं करते कुछ और खाने के लिए, उठा उठा के बच्चे खाते रहेंगे और न्यूट्रिशंस उनकी पूरी होती रहेंगी, और आपको फिक्र भी नहीं होगा कि अभी हमारे बच्चों ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बहुत मज़े की चीज़ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे ये आपको कैसे लगे हैं आपने बनाए तो, और इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके।